फिनिश लाइब्रेरीज़ के बारे में एक चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है वो ये है कि इनकी आप जिस भी लाइब्रेरी में चले जाओ पब्लिक लाइब्रेरी हो या कोई भी यूनिवर्सिटी के अंदर वहाँ पे चिल्ड्रन का एक सेपरेट सेक्शन होता है जिसमें आ, सिर्फ बुक्स नहीं होती बल्कि काफ़ी एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होती है जैसे गेम्स हो गई यहाँ पे आप देख सकते हैं पज़ल्स डिफरेंट कार्ड गेम्स और काफ़ी डिफरेंट टाइप के एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग गेम्स होती हैं जिससे बच्चे जो सा है वो नेचुरल लर्निंग एबिलिटी डेवलप कर सकते हैं और वो खेलते हुए काफ़ी कुछ लर्न कर जाते हैं इनकी लाइब्रेरीज़ में बच्चों का सेप्शन बिल्कुल सेपरेट होता है बड़ों से जिस तरह आप अगर अपने बच्चों को साथ लेके जाते हो लाइब्रेरी तो आप उनको किड सेक्शन में छोड़ देते हो जहाँ पे वो खेल सकते हैं और भी काफ़ी सारी ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं जिस तरह टैबलेट्स होती हैं वो बच्चे काउंटर पे जाके अपने कार्ड स्कैन करके इशू कर सकते हैं टैबलेट वहाँ पे जब तक वो हैं यूज़ कर सकते हैं इसी तरह इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आ, बहुत अच्छा व्यू है यहाँ पे बच्चों का सिटिंग एरिया है नीचे और बैकग्राउंड में ये इन्होंने मिरर लगाया हुआ है जहाँ से बाहर से आप मतलब नेचुरल व्यू देख सकते हैं और इस एरिया में अक्सर बच्चे लेट भी सकते हैं आर रीडिंग आ, और उसके बाद ये नो डिफरेंट पोर्ट्स से बनाए हुए हैं इन पोट्स में जाके बच्चे बैठ के पढ़ सकते हैं बुक्स अंदर आप देख सकते हैं एक एक बॉक्स पड़ा हुआ है इस बॉक्स में आप मतलब जो बुक्स पढ़ना चाह रहे हो आप लेके चले जाओ और आप वो पढ़ सकते हो और यहाँ पे इन्होंने डिफरेंट सेक्शंस बनाए हुए हैं जिनमें ये पोर्ट्स एरिया है एक्टिविटी एरिया है और डिफरेंट ये आ, आपको अंदर नज़र आ रहा है ये प्ले एरिया है बेसिकली ये लाइब्रेरी के अंदर ही होता है और वहाँ पे बच्चे खेल सकते हैं इसी तरह इनकी लाइब्रेरी के डिफरेंट सेक्शंस होते हैं जिनमें यूजुअली एक जोन सा है वो मेन I mean, जो बेसिक एंट्रेंस होती है जिस तरह ये है ये एंट्रेंस है आ, उसके अलावा यूजुअली एक बेसमेंट होती है और एक समटाइम्स फर्स्ट फ्लोर होता है और आ, वो डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइडेड होता है यहाँ पे जब आप लाइब्रेरी में एंटर होते हो तो एंट्रेंस में ही मोस्ट ऑफ द टाइम कुछ डिस्प्लेस होते हैं और उसमें यूजुअली बच्चों ने पेंटिंग की होती है एवरी टाइम यू गो देर समथिंग न्यू आपको कुछ ना कुछ नया देखने को मिल रहा होता है जिस तरह यहाँ पे अभी पेंटिंग है नेक्स्ट टाइम अगर आप आओगे तो कोई आर्ट होगा समटाइम्स बच्चों ने जो बुक मार्क बनाए हुए होते हैं वो उन्होंने डिस्प्ले में लगाए हुए होते हैं इसी तरह कुछ ना कुछ नया देखने को मिल रहा होता है जिसमें बेसिकली हाँ पे लर्निंग तो uh, ही होती है मोस्ट ऑफ़ द टाइम यहाँ पे इनकी जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं बच्चों की स्कूल से रिलेटेड या आफ़्टर स्कूल वो मोस्टली लाइब्रेरी में ही हो रही होती हैं फिनलैंड में इनके कुछ आफ्टर स्कूल क्लब्स भी होते हैं जिसमें बच्चे जो सा है यहाँ पे आके होमवर्क कर सकते हैं टीचर्स की सुपरविजन में उसके अलावा अगर बच्चे थ्री टू फोर आवर्स यहाँ पर स्टे करते हैं तो उनको स्नैक्स वगैरह अगर वो अपना होमवर्क कम्प्लीट करते हैं तो एज अ रिवॉर्ड दिया जाता है इनके टीचर्स वगैरह भी वहाँ पर प्रजेंट होते हैं और वो भी इनको हेल्प आउट करते हैं होमवर्क कम्पलीशन में और फिनिश uh, लाइब्रेरीज़ को जस्ट एज अ लाइब्रेरी यूज़ नहीं कर रहे होते यहाँ पे मल्टीपल एक्टिविटीज़ चल रही होती हैं जिनमें कुछ लर्निंग बेस्ड होती हैं कुछ इन्जॉयमेंट बेस्ड होती हैं और बेसिकली इनकी लाइब्रेरीज़ इनका हब ऑफ लाइक एवरी होता है और जहाँ पर बच्चों को काफ़ी इनकरेज किया जाता है अपार्ट फ्राम लर्निंग बाकी एक्टिविटीज़ में भी